नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 8 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Realme 8। तो दोस्तों इसमें एक नया अपडेट आ चुका है। दोस्तों इस फ़ोन में हमें एक नया अपडेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे उसी अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ कि ये अपडेट दोस्तों कितने साइज का है, इसमें आपको क्या क्या नया चेंज होकर मिलता है, और दोस्तों ये अपडेट आपको अपडेट करना चाहिए, इंस्टॉल करना चाहिए अपने फ़ोन में या फिर नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबको बताऊँगा इस वीडियो में, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं इस अपडेट के साइज़ की। दोस्तों ये जो अपडेट है ये 201 MB का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बट दोस्तों इस अपडेट में हमें कुछ नया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों इस अपडेट के चेंजेस की बात करें, इसमें हमें क्या मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें हमें एक फीचर ऐड होकर मिला है, वो है दोस्तों रैम एक्सपेंशन वाला। दोस्तों आपके फ़ोन में जो रैम है दोस्तों वो एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, वो आपके इंटरनल स्टोर से मेमोरी ली जाएगी और वो आपको रैम में दोस्तों कन्वर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक फीचर हमें देखने को मिला है। और दोस्तों आपके फ़ोन में जो बक्स आ रहे थे परफॉर्मेंस को लेकर, तो दोस्तों आपका फ़ोन पहले से ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, आपके फ़ोन की स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और दोस्तों एक दो फीचर और इसमें ऐड किए गए हैं, वो है दोस्तों कि फाइल मैनेजर जो होता है दोस्तों, उसमें कुछ बक्स आ रहे थे दोस्तों स्मूथ स्क्रॉल करने पर, तो दोस्तों वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। फोटो के अंदर दोस्तों कुछ बक्स आ रहे थे, जैसे आपके फ़ोन की जो डिस्प्ले दोस्तों फ्लिकर हो रही थी रोटेट वगैरह करने पर, तो दोस्तों वो भी फिक्स कर दिए गए हैं। और दोस्तों सिक्योरिटी पेच लेवल कर दिया गया है 1 जुलाई का। जैसे दोस्तों हमें Realme 8 Pro में जो अपडेट मिला है सिक्योरिटी पेच लेवल को लेकर, सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें अपडेट मिल चुका है ये वाला। दोस्तों इस अपडेट का नाम है 11.1.08। दोस्तों ये इसका साइज़ 201 MB। अब दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर ऐड किए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। एक तो किया गया है दोस्तों रैम वाला, जो हमें रैम एक्सपेंशन वाला। दूसरा किया गया है दोस्तों स्टेरी मोड, आपके कैमरे का दोस्तों स्टेरी मोड इसमें ऐड कर दिया गया है। और दोस्तों कैमरे को जो रियर कैमरे में दोस्तों जो फोटो खींच टाइम में वीडियो बनाए थे हम, जो इशू आ रहा था दोस्तों नॉइस ले गए, जैसे हल्की फुल्की वो नॉइस सी आती है, तो दोस्तों वो भी फिक्स कर दिया गया है। और 64 MP दोस्तों इसमें जो कैमरा दिया गया है उसकी क्वालिटी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। और दोस्तों नॉइस इशू भी फिक्स कर दिया गया है। और जो आपके टेम्परेचर कलर जो वगैरह होते हैं फ़ोटो में दोस्तों वो फिक्स कर दिए गए हैं, आपके आप कलर और भी ज़्यादा नेचुरल आएंगे। और दोस्तों फ्रंट कैमरे की इमेज भी काफ़ी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव कर दी गई है। दोस्तों कैमरे के अंदर इसमें काफ़ी भर के अपडेट दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों जो फ़ोन है ये आपको पता है रियलमी का 8 जो फ़ोन है दोस्तों, इसमें आपको सेल्फी कैमरा भी अच्छा मिलता है, बैक कैमरा भी अच्छा मिलता है, बट दोस्तों पहले से ज़्यादा और भी इनको इम्प्रूव कर दिया गया है। दोस्तों अगर आपको ये नए फीचर चाहिए तो आपको ये अपडेट करना है। और दोस्तों ये अपडेट ज़्यादा बड़ा नहीं है, 201 MB का है। तो अगर आपको अपने फ़ोन में नए फीचर चाहिए और आपका फ़ोन अगर लॉगिंग वगैरह कर रहा है, तो आप इस अपडेट को जरूर से कर लो, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं दोस्तों अपडेट भूल जाते हैं करना, अपडेट उनके बारे में पता ही नहीं है उनको कि अपडेट क्या होता है। तो दोस्तों आप फटाफट से अपने अपडेट को अपने फ़ोन को अपडेट करो और अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा स्टेबल बनाओ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।